Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ फ्रॉम द यूनिट 3 विच इज़ बेस्ड ऑन पब्लिक एंटरप्राइजेस. इससे पहले मैंने आपके साथ जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ये नोट्स जो हैं आपके पंजाब यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है, उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं सबका सेम सिलेबस है और ये आप यूज़ कर सकते हो अपने रिटर्न नोट्स बनाने में अपने एग्जाम के लिए. Now, without wasting more time, let's start with our topic. So, question number 9. Discuss the reforms in public enterprises in the context of privatization and disinvestment. So, सबसे पहले आपने लिखना है introduction. आपका introduction, meaning और definition as it is same रहने वाला है question number 7 की तरह, क्योंकि वो question भी आपका public enterprises पे based था. आपका क्वेश्चन 18 मार्क्स का है तो सीधा आप अपने पॉइंट्स लिखने स्टार्ट नहीं करोगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करके अपना आंसर लिखो. थोड़ी सी मेहनत होती है, इससे आपका आंसर जो है काफ़ी डिफरेंट हो जाता है बाकी स्टूडेंट से. सो प्लीज़ जब भी आप क्वेश्चन लिखते हो उससे पहले आप इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन जरूर ऐड किया करो. इससे आपके आंसर की क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है और एग्जामिनर को अच्छा लगता है कि आपने एफर्ट लगाकर जो है अपना आंसर अटेम्प्ट किया है. तो आपने यहाँ पर अगर इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप वहाँ पर यूनिट 3 का ए पार्ट जो है उस पर मैंने एक्सप्लेन किया है, वहाँ पर चेक कर सकते हो. दोबारा से यहाँ पर एक्सप्लेन करके मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ. तो इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखने के बाद देन आपने यहाँ पर पैराज लिखने स्टार्ट करने हैं. सबसे पहला आपका पैरा आएगा, पब्लिक एंटरप्राइजेस हैव नॉट बीन सक्सेसफुल इन फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स विद विच दिस एंटरप्राइजेस वर इस्टेब्लिश. सो एक्चुअल में पब्लिक एंटरप्राइजेस को जिस मकसद से बनाया गया था, जो काम करने के लिए, एक्चुअल में वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें निभानी चाहिए वो पूरी नहीं हो पा रही थी. उनके ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे. दो द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स रेगुलर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एड टू दीज एंटरप्राइजेस, येट दिस एंटरप्राइजेस आर नाइदर अर्निंग प्रॉफिट नॉट सर्विंग द सोसाइटी एज वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम. अब सरकार पूरी कोशिश करती है टाइम टू टाइम इन्हें इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली हेल्प करते हैं पैसा दे के ताकि ये एंटरप्राइजेस अच्छा करें, बट फिर भी उसके बावजूद ना ही ये प्रॉफिट अच्छा करते हैं ना ही सोसाइटी में कुछ अच्छी वेलफेयर जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर पाते हैं. नीड ऑफ रिफॉर्म इन दिस एंटरप्राइजेस हैव बीन फेल्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम. बहुत ज़रूरत होती है कि इन पब्लिक एंटरप्राइजेस को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना, बिकॉज जो सोसाइटीज़ होती हैं ये एक बहुत डायनेमिक नेचर की होती हैं. जो ज़रूरतें हैं लोगों की, वेलफेयर सर्विसेज हैं, वो बहुत जल्दी चेंज हो जाती हैं. तो इसीलिए बहुत ज़रूरत है कि सरकार को रिफॉर्म्स यानी चेंजेस लाने चाहिए इन पब्लिक एंटरप्राइजेस पे. In present time, the issue of reforms in public enterprises is projected from two contexts. First, by adopting the process of privatization in public enterprises, and second, by adopting the process of disinvestment in public sector. So, यहाँ पर दो तरीके से present time में government इसको reform करती है. सबसे पहला method क्या होता है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, public enterprises के अंदर प्राइवेटाइजेशन को इंक्लूड किया जाता है. जैसे कि हमें पता है कि पब्लिक एंटरप्राइजेस का मतलब क्या है, कि जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, गवर्नमेंट के शेयर्स ज़्यादा हों और गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन को कंट्रोल करे. तो जब गवर्नमेंट देखती है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट से कोई वहाँ पर बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है उस एंटरप्राइज को, देन गवर्नमेंट क्या करती है, अपने कुछ शेयर जो है प्राइवेट कंपनीज़ को बेच देती है और देन यहाँ से एंट्री होती है प्राइवेटाइजेशन की. तो सेकेंड मेथड की बात करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट, कि यानी कि जो भी पब्लिक सेक्टर में सरकार ने इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्ट करना कम कर देते हैं. तो इस तरीके से दो मेथड के थ्रू जो है पब्लिक एंटरप्राइजेस को रिफॉर्म किया जाता है. सेकेंड पैरा, फर्स्ट इट इज़ रिकमेंडेड इन कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस दैट द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन शुड बी अडॉप्टेड. तो फर्स्ट वाले में ये बोला गया है कि पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर प्राइवेटाइजेशन को इंक्लूड किया जाए, उसे अडॉप्ट किया जाए. द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर दीज एंटरप्राइजेस शुड बी अबॉलिश्ड, कि सरकार का कम इन्वॉल्वमेंट हो, कम से कम सरकार इन चीज़ों के जो मैटर्स हैं उनमें इंटरफेयर करे. दीज एंटरप्राइजेस में बी अलाउड टू कम्पीट इन ओपन मार्केट. तो जितनी पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं उनमें कॉम्पिटिशन होना चाहिए. अगर स्टैटिक तरीके से वो लोग चलते रहेंगे कि उन्हें कोई कॉम्पिटिशन ही फेस नहीं करना है, इसीलिए वो क्वालिटी इंक्रीज़ नहीं करेंगे, सर्विसेज अच्छी नहीं देंगे. अगर ओपन
मार्केट में इनका पब्लिक एंटरप्राइजेस का कंपटीशन होगा प्राइवेट कंपनीज और एंटरप्राइजेस के साथ, तो ये बेटर परफॉर्म कर पाएंगे. इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन दिस एंटरप्राइजेस शुड बी अलाउड टू कम्पीट विद अदर इंटरनेशनल एंड मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस. आज के टाइम में हमें पता है ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं ओपन होती हैं एक कंट्री के अंदर, तो इसीलिए पब्लिक एंटरप्राइजेस को ओपनली कम्पीट करने का मौका देना चाहिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकें. By adopting privatization and disinvestment, not only the functioning of public enterprises will improve, but there will be profitability of running these enterprises. अब अगर हम यहाँ पर privatization करेंगे, यानी कि private companies को share बेचेंगे, और disinvestment करेंगे, यानी government कम invest करेगी, बाकी जो vendors हैं, जो private owners हैं, उनको भी बोलेंगे कि आप यहाँ पर invest करो, तो यहाँ पर public enterprises की performance improve हो सकती है, और जो profit है, वो भी काफ़ी अच्छा हो सकता है. So, that are able to provide maximum social service and benefits to the society. तो इस तरीके से जो public enterprises का मकसद है कि society में welfare activities provide करनी है, services देनी है लोगों को, good product लॉन्च करने हैं, तो तभी पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन करें या फिर हम डिस इन्वेस्टमेंट करें. नेक्स्ट आपका थर्ड पैराग्राफ है, मैनी पब्लिक एंटरप्राइजेज इन इंडिया आर ऑल्सो रनिंग इन टू लॉसेस. इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं जो आज के टाइम में लॉस में चल रहे हैं. फॉर दिस रीजन द इंडियन गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म दीज एंटरप्राइजेस बाय अडॉप्टिंग द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन 1991. यही एक कारण है जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 के अंदर प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट किया था. 1991 के अंदर इंडिया के जो काफ़ी सारी कंपनीज हैं, जो शेयर्स हैं, वो डाउन चले गए थे और हमें बहुत नुकसान हुआ था उस टाइम पर. देन इंडिया ने IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया था, और उस लोन की कंडीशन ही यही थी कि आपको जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है उसको प्राइवेटाइज्ड करना पड़ेगा, यानी आपको अपने शेयर्स बेचने पड़ेंगे, और जब प्राइवेटाइजेशन की एंट्री होगी उसमें, देन वहाँ पर पब्लिक एंटरप्राइजेस आपके इम्प्रूव हो पाएंगे. तो इस तरीके से 1991 के अंदर पब्लिक एंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन को ऐड किया था. प्राइवेटाइजेशन इन पब्लिक एंटरप्राइजेस वाज इनकरेज्ड इन द 8th 5-year plan 1992-1997. प्राइवेटाइजेशन को इनकरेज जो गवर्नमेंट ने किया है वो कौन से साल में किया है, 8th 5-year plan में, जो कि कब आया था, 1992 से लेकर 1997 में. इस टाइम पर जो PM थे वो PV नरसिम्हा राव थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह. PV नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह को क्रेडिट दिया जाता है, उन्होंने इंडिया को फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाला. पब्लिक एंटरप्राइजेस में प्राइवेटाइजेशन को ऐड करके उन कंपनीज को इतना बेनिफिट हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने इम्प्रूव करना स्टार्ट किया, और इंडिया की जो GDP है, जो नेशनल इनकम है, वो भी इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई. द डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन वॉज ऑल्सो एस्टैब्लिश फॉर दिस पर्पज इन अगस्त 1996, और डिस इन्वेस्टमेंट कमेटी एक अलग से बिठाई गई थी इस चीज़ की चेकिंग करने के लिए कि पब्लिक एंटरप्राइजेस कितना इम्प्रूव कर रहे हैं. वो कमेटी की डेट है 1996. हमने पॉइंट्स लिखने हैं कि जब हमने प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट किया तो हमें क्या पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली. फर्स्ट आपका पॉइंट है प्रॉपर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी जो भी वहां पे रिसोर्सेज थे उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना उन्होंने स्टार्ट किया. वेस्टेज जो है बहुत कम हो गई. नेक्स्ट आपका सेकेंड पॉइंट है द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज विल लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड देयर विल बी नो शॉर्टेज ऑफ गुड्स ऑल्सो. जब हम रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे तो वहाँ पे प्रोडक्शन भी काफ़ी इंक्रीज हो गया, और साथ ही साथ जो शॉर्टेज थी गुड्स की वो भी ठीक हो गई. नाउ थर्ड पॉइंट एफिशिएंसी एंड वर्क कैपेसिटी ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस विल ऑल्सो इंक्रीज, यानी पब्लिक एंटरप्राइजेस एफिशिएंटली वर्क करने स्टार्ट हो गए. वहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनकी वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि ना ही रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे थे और प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा था, जिससे बेनिफिट हो रहा था इन पब्लिक एंटरप्राइजेस को. नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस विल ऑल्सो इंक्रीज. जैसे ही गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स बेचने स्टार्ट किए, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज और ओनर्स ने वो शेयर्स खरीदने स्टार्ट किए, जिसकी वजह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखने को मिला इन पब्लिक एंटरप्राइजेस में. नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट है ड्यू टू कंपटीशन इन द ओपन मार्केट क्वालिटी गुड्स विल बी अवेलेबल एट अ चीप रेट टू द पीपल. ओपन कंपटीशन होने की वजह से गुड्स की क्वालिटी इंक्रीज हो गई और गुड्स जो है चीपर रेट्स पे अवेलेबल होने स्टार्ट हो गए लोगों के लिए. नेक्स्ट आपका सिक्स पॉइंट है पब्लिक सेक्टर विल एक्सपैंड. अब देखो अल्टीमेटली जब पब्लिक एंटरप्राइजेस बेनिफिट करेंगे तो उससे जो टैक्स आएगा वो गवर्नमेंट के पास जाएगा और गवर्नमेंट उसको यूज़ करेगी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए. तो पर्टिकुलरली हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर को ही बेनिफिट हो रहा है एट द एंड. नेक्स्ट आपका सेवेंथ पॉइंट है इंक्रीज फॉरेन
capital investment in the country, which in turn will improve the economic position of the country. Open competition होने की वजह से और government ने अपनी policies भी काफी relax कर दी थी, जिसकी वजह से foreign countries ने invest करना start किया, जिससे ultimately country की जो economic condition है वो improve हुई. Foreign technology in the country, which will strengthen the process of modernization in public enterprises. अब जब foreign countries invest करेंगी public enterprises में, तो साथ में अपनी technology लेके आएंगी, और technology से क्या होगा, modernization. तो उस time पर भी यही हुआ कि टेक्नोलॉजी आने से इंडिया काफी मॉडर्नाइज्ड हुआ. नेक्स्ट आपका 9th पॉइंट है, कंज्यूमर विल गेट एप्रोप्रिएट गुड्स एट कॉम्पिटिटिव रेट्स. तो कंज्यूमर्स को बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में जो है गुड्स मिलने स्टार्ट हो गए, क्योंकि कंपटीशन इतना था कि पब्लिक एंटरप्राइजेस को अपने आप को प्रूव करने के लिए अपनी क्वालिटी इंक्रीज करते रहना था, अपने जो प्राइसेस है उसको अपडेट करते रहना था. तो इसीलिए कंज्यूमर्स को बहुत बेनिफिट हुआ कि उनको कम रेट्स पर जो गुड्स हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिलने स्टार्ट हुए. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आपका, कनेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद ग्लोबल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी विद स्पीड अप द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस इन द कंट्री. अब कंट्री की जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज भी इन्वेस्ट करेंगी, शेयर्स खरीदेंगी पब्लिक एंटरप्राइजेस पे. तो इस तरीके से कंट्री का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि वहां पर आपने अपनी इकोनॉमी को इंटरनेशनल इकोनॉमी से कनेक्ट कर दिया है. नेक्स्ट आपकी हेडिंग आएगी डिसएडवांटेजेस, यानी क्या नुकसान है प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट करने के पब्लिक सेक्टर में. फर्स्ट आपका पॉइंट है, इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सेक्टर, इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी. द रीजन बिहाइंड दिस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स हैव रिड्यूस डिपेंडेंस ओवर ह्यूमन लेबर. क्योंकि जब फॉरेन कंट्रीज इन्वेस्ट करेंगी, अपने साथ टेक्नोलॉजी लेके आएंगी, मॉडर्नाइजेशन होगा, तो ह्यूमंस की बजाय मशीन्स काम करेंगी, जिससे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो देखने को मिलेगी पब्लिक सेक्टर में. सेकेंड आपका पॉइंट है, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड. बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो गुड्स है, जो सर्विसेज हैं, उनके प्राइस कम होने की बजाय इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अच्छी यूज़ की जाती है, काफ़ी महंगी मशीन्स यूज़ की जाती हैं, तो जिसकी वजह से जो क्वालिटी इंक्रीज करने के चक्कर में वो प्राइस इंक्रीज कर देते हैं. नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है, देयर विल बी मोर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स. वर्कर्स को एक्सप्लॉयट किया जाता है, बिकॉज दे हैव टू गिव देयर बेस्ट, कि उनको अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, उनको जल्दी बनाना है, कम्पीट करना है. तो इसकी वजह से बहुत बार देखा गया कि वर्कर्स को एक्सप्लॉयट किया जाता है, प्रॉपर सैलरीज नहीं मिलती हैं, या फिर काफ़ी देर तक जो है उन्हें काम करवाया जाता है. नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट है, देयर इज़ इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ क्लास स्ट्रगल. अब यहाँ पे क्लास स्ट्रगल देखने को मिलेगा कि जो लोअर क्लास है और जो अपर क्लास है, तो यहाँ पे कभी भी लोअर क्लास के लोग जो है अपर क्लास में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर किसकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, प्राइवेटाइजेशन की. तो प्राइवेट कंपनीज, ओनर्स, कॉरपोरेशंस, मल्टीनेशनल कंपनीज वही डोमिनेट करते जाएंगे, और देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन लोअर एंड अपर क्लास. नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट है, देयर विल बी मोर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री बाय द फॉरेन कंपनीज. अब जितनी भी फॉरेन कंपनीज हैं वो क्या करेंगी, हमारी कंट्री के रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे, वो जुडिशियली उसे यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज उनको लगेगा कि दिस इज़ नॉट देयर ड्यूटी, कि 100% वेस्टेज नहीं करना है. तो बस जल्दी से जल्दी अपने जो प्रॉफिट्स है उसको बढ़ाना होता है, उसके लिए चाहे कितने भी रिसोर्सेज वेस्ट हो वो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. नेक्स्ट आपका सिक्स पॉइंट है, इंक्रीज सोशल इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी. सोसाइटी के अंदर सोशल इनइक्वालिटी हो जाएगी, जैसे कि मैं बता रही हूँ, क्लास स्ट्रगल बढ़ जाएगा, लोअर क्लास के लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, वर्कर्स को प्रॉपर वेजेस नहीं मिलेंगे, वो हमेशा स्ट्रगल करते रह जाएंगे इस प्राइवेटाइजेशन वाले एटमोसफेयर में, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको प्रॉपरली एक्सप्लॉयट किया जाता है अपने आप को डोमिनेट रखने के लिए. नेक्स्ट आपका सेवन्थ पॉइंट है, रियून द स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द कंट्री. अगेन वही कि स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है, जो विलेज वाले एरिया में है, रूरल एरियाज में है, वो सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उसको प्राइवेट ओनर्स अपने साथ मर्ज कर लेंगे. नेक्स्ट आपका एट पॉइंट है, इंक्रीज द इंटरफेरेंस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्रीज इकोनॉमिक सिस्टम, विच विल अल्टीमेटली लिमिट द फ्रीडम ऑफ द कंट्री. अगर हम यहाँ पे अपने पब्लिक एंटरप्राइजेस को ओपन करेंगे ताकि फॉरेन कंट्रीज आकर यहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो इससे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WTO है, ये सारे हमारी इकोनॉमी में इंटरफेयर करेंगे, हमारे लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे, हमारे साथ ट्रिटीज साइन करेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो सोवरेनिटी है अपनी कंट्री के लिए डिसीजन लेने की, कि हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किस तरीके से चलेगा, हमें कितने % टैक्सेस लगाने हैं, कितना अपनी इकोनॉमी को ओपन करना है,
सारे डिसीजंस जो है हमारी कंट्री की गवर्नमेंट नहीं ले पाएगी, क्योंकि वहां पर हमने क्या कर दिया है, प्राइवेटाइजेशन को ऐड कर दिया है पब्लिक एंटरप्राइजेस में। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है, देयर विल बी एन एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म इन द कंट्री। सो जिस भी कंट्री में रिसोर्सेज जो है बहुत अच्छे होंगे और वो कंट्री अनअवेयर होगी, अंडर डेवलप्ड होगी, जहां पर लोग इतने अवेयर नहीं है, गवर्नमेंट जो है लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रही है, तो वहां पर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो रिच कंट्रीज हैं, जो एजुकेटेड कंट्रीज हैं, वो क्या करेंगे, वो इन कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे सो दैट वो उनको एक्सप्लॉयट कर सके। तो इस तरीके से एक रेस स्टार्ट हो जाएगी डेवलप्ड कंट्रीज की, कि वो जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, उन्हें एक्सप्लॉयट करेंगे, और ये इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म कहलाएगा कि आप दूसरी कंट्रीज को पपेट गवर्नमेंट्स बनाते जा रहे हो और मेजर डिसीजन कौन ले रहा है उसका, रिच कंट्रीज। एंड में कंक्लूजन 4 to 5 lines एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो या सिलेबस, प्लीज कमेंट बिलो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। ऑल द बेस्ट अचीवर्स, हैव अ नाइस डे।